नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। वक्त छत्तीसगढ़ की खबरों का है। सबसे पहले बीजापुर एनकाउंटर में आपको बड़ी अपडेट से रूबरू करवा देते हैं। मुठभेड़ में 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। दोनों ही तरफ से फायरिंग जारी है। जवानों ने 2 नक्सलियों के शव ढूंढ निकाले हैं। तो 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। लाल आतंक के खिलाफ ये बड़ा ऑपरेशन, बीजापुर एनकाउंटर में ये बड़ी अपडेट मिल रही है। 2 शव जवानों को मिले हैं। दोनों ही तरफ से फायरिंग की जा रही है। मुठभेड़ में 5 नक्सली मारे गए हैं। ये बड़ी अपडेट सामने आई है। जगदलपुर से श्रीनिवास नायडू हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। श्रीनिवास, क्या है पूरी अपडेट, जरा बताएं अब तक। जी बिल्कुल, माओवादी के खिलाफ बड़ा प्रहार जवानों ने किया है और आज सुबह से ही बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करके जो प्रहार किया गया उसमें लगातार जो हैवी फायरिंग होने की खबरें मिल रही थी। अभी जानकारी मिल रही है कि सुरक्षा बलों के जो जवानों ने 5 माओवादियों को ढेर कर दिया, जिसमें 2 माओवादियों के शव को बरामद कर लिया। वहीं 3 जो माओवादियों के शव को लेने के लिए कवायद जारी है। काफ़ी हैवी फायरिंग अभी भी जारी है, चूंकि वो इलाके में बड़े माओवादियों की खबर सुरक्षा बलों को लगी थी, जिसके बाद बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें DRG, कोबरा, CRPF, बस्तर बटालियन, बस्तर फाइटर के जवानों ने संयुक्त ऑपरेशन किया और कल देर रात ही ऑपरेशन को तैयार किया और आज सुबह से ही इलाके में जो पहुंची फोर्स तब लगातार दोनों ओर से फायरिंग जारी है। फिलहाल 5 माओवादियों को ढेर किया है। अभी ये भी कहा जा रहा है कि माओवादियों की आंकड़े जो मारे जाने की खबरें जो आंकड़े हैं वो भी बढ़ सकती है। फिलहाल इलाके की सर्चिंग भी तेज कर दी है और जवानों के लौटने का इंतजार फिलहाल किया जा रहा है। जी, 2 शव भी मिले हैं नक्सलियों के। जी बिल्कुल, 2 माओवादियों को शव को जवानों ने बरामद कर लिया है और जो 3 शव है उसको लेने के लिए जो जवानों की कवायद की जा रही है, क्योंकि इलाका काफी जंगल है और लगातार माओवादी की तरफ से हैवी फायरिंग की जा रही है, जवान भी फायरिंग कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है जो आंकड़ा है 5 माओवादी का जो आंकड़ा है और भी बढ़ने की बात कही जा रही है। जी, इस पूरे मामले को लेकर एक अपडेट श्रीनिवास ये भी मिल रही है कि 1000 से ज्यादा जवान है जिन्होंने माओवादियों को घेरा हुआ है, नक्सलियों को घेरा हुआ है यहां पर। जी बिल्कुल, ये चूंकि ये बड़े माओवादियों के लीडर की होने की सूचना जवानों को मिली थी, जिसमें पापा राव CC मेंबर है, इनकी टीम होने की खबरें जब जवानों को मिली थी, जिसके बाद जो लगभग DRG जो कोबरा, CRPF, बस्तर बटालियन, बस्तर फाइटर के लगभग 1000 से अधिक जवानों ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया और माओवादी के कोर इलाके में घुसी, जिसके बाद आज सुबह से ही लगातार ऑपरेशन जारी है, मुठभेड़ जारी है, जिसके बाद ही आज जो अभी अभी खबरें मिल रही है कि 5 माओवादी कुछ जवानों ने फिलहाल ढेर कर दिया है। जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। वहीं बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजद्रोह केस में IPS GP सिंह को बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रोसीडिंग पर रोक लगा दी है। भूपेश सरकार ने मामला दर्ज किया था और इस प्रोसीडिंग पर रोक लगा दी गई है। बड़ी राहत राजद्रोह केस में IPS GP सिंह को मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रोसीडिंग पर रोक लगा दी है। उमेश हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। उमेश, बताए क्या है पूरी जानकारी। देखिए, 1994 IPS बैच के जो IPS रहे हैं GP सिंह, उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था देशद्रोह का। छत्तीसगढ़ के तत्कालीन सरकार भूपेश बघेल की सरकार ने ये मामला दर्ज किया था, जिसको लेकर उन्होंने हाईकोर्ट पे अपील की थी और इस आज इस पूरे मामले की जब सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए उनकी जो राजद्रोह का जो केस चल रहा है उस कार्यवाही पर अभी फिलहाल रोक लगा दी है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत मिली है। जिस तरीके से जानकारी मिली थी जब सरकार बनी थी कांग्रेस की और तत्कालीन सरकार भूपेश सरकार थी, उस दौर
दौरान जीपी सिंह के बंगले से कुछ ऐसी सामग्री मिली थी, सत्ता विरोधी सामग्री मिली थी, जिसमें एक पेन ड्राइव मिला था और कुछ चिट्ठियां मिली थी, चिट्ठियों के फटे हुए टुकड़े मिले थे, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। और इसी मामले को दर्ज होने के खिलाफ जो है जीपी सिंह वो हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी, जिसकी लगातार सुनवाई चल रही थी। और आज इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उन्हें एक बड़ी राहत दी है, इस पूरे केस को जो प्रोसीडिंग है उस पर रोक लगा दी है। फिलहाल देखना होगा कि आगे इसमें और क्या कुछ हाईकोर्ट के दिशा निर्देश होते हैं, लेकिन फिलहाल जीपी सिंह को एक बड़ी राहत हाईकोर्ट से मिली है। जी करप्शन का, राजद्रोह का मामला पूरा ये रोक और लीगल प्रोसीडिंग्स पर रोक, यानी कि पिछली सरकार के पूरे फैसले के उलट अब यहां पर चीजें निकलकर सामने आ रही हैं उमेश। बिल्कुल, देखिए जब तत्कालीन सरकार रही है तो इनके खिलाफ कोई एक दो मामला नहीं बल्कि तीन मामला दर्ज किया गया था। एक तो अवैध उगाही का मामला था, चूंकि एसीबी की ये चीफ हुआ करते थे तो उस दौरान भी इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था कि ये के उगाही करते हैं, जो अपराधी हैं उनसे पैसे की वसूली करते हैं, जो इनके मतहत अधिकारी हैं उनको भय और डर दिखाकर उनसे पैसे की उगाही कर रहे थे, ये भी एक मामला दर्ज हुआ था। इसके अलावा मारपीट का एक मामला दर्ज हुआ था, भिलाई के एक व्यापारी ने इनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। उस मतलब कुल मिलाकर तीन मामले जो है इनके हाईकोर्ट पे चल रहे थे और लगभग तीनों में इनको अब तक राहत मिल चुकी है। जी अपर्णा जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे अब बात सूरजपुर की, जहां बिना दुल्हन के बारात लौट गई। दहेज में 4 लाख की मांग की गई थी, दोनों ही पक्षों में विवाद हुआ, मारपीट हुई, पिता कर्ज लेकर लड़की की शादी कर रहा था। दोनों ही पक्षों ने थाने में शिकायत दी है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। रामानुज नगर थाना क्षेत्र के नारायणपुर का ये मामला है। निकाह होने के बाद बारात जो है बैरंग ही लौट गई, बिना दुल्हन लिए लौट गई, क्योंकि दहेज को लेकर यहाँ वर पक्ष वधु पक्ष दोनों के बीच झगड़ा हो गया था। तो अब लड़की वालों की ओर से भी और लड़के पक्ष की ओर से भी शिकायत दी गई है पुलिस में। बारात निकाह के बाद बिना दुल्हन लिए ही लौट गए। वरुण हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी वरुण बताएं। देखिए पूरा मामला रामानुज नगर के नारायणपुर गांव का है और केवल महज 4 लाख रुपए के दहेज की रकम के लिए निकाह होने के बाद जो है बारात दुल्हन को छोड़कर वापस चली गई। और ठीक वापस जाने से पहले दोनों पक्षों में जब दहेज को लेकर विवाद हुआ तो उसके बाद मारपीट भी हुई और नतीजा ये रहा कि दुल्हन को छोड़ के ही बारात निकाह करने के बाद जो दूल्हा पक्ष है वो वापस लौट गया। और दोनों पक्षों ने रामानुज नगर थाने में इसकी शिकायत की है, जिसके आधार पर पुलिस फिलहाल विवेचना में जुटी हुई है और दोनों पक्षों का बयान पुलिस अभी ले रही है। जी शुक्रिया वरुण आपका इस जानकारी के लिए। और अब बात मुंगेली के, जहां पति पत्नी के झगड़े में 3 साल की मासूम बच्ची की जान चली गई। विवाद के बाद बच्ची को मां ने जंगल में छोड़ दिया था। 3 दिन बाद बच्ची का जंगल में शव मिला। बताया जा रहा है कि भूख प्यास से बच्ची की मौत हुई। जंगल में छोड़ने के बाद मां ये भूल गई कि बच्ची को कहां छोड़ा था, इसीलिए वो बच्ची को ढूंढ नहीं पाई। खास बात यह है कि बच्ची की मां गांव की सरपंच भी है। अचानक कमार टाइगर रिजर्व की यह घटना है। रायपुर में सड़कों पर बाइकर्स बेलगाम हो गए हैं। चलती बाइक पर खड़े होकर स्टंटबाजी की गई है। नवा रायपुर की सड़कों पर तेज रफ्तार में देखिए किस तरह से स्टंट करते हुए ये युवा यहां पर दिखाई दे रहे हैं। बिना हेलमेट स्टंटबाजी का ये वीडियो बता रहा है कि किस तरह से ये बेखौफ हैं ये युवा। और नवा रायपुर की सड़कें जहां पर स्टंट के दौरान तो एक बाइकर की जान बाल बाल बची। नवा रायपुर की सड़कों पर किस तरह से बाइकर स्टंट कर रहे हैं ये देखिए, अपनी जान की परवाह किए बगैर वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं।
यहां तो एक बाइकर की जान बाल बाल बची है, उसके बावजूद भी आए दिन इस तरह के बाइकर्स के स्टंट वाली तस्वीरें वीडियोज सामने आ रहे हैं। क्या एक्शन अब तक लिया गया, क्या इनकी पहचान हो पाई है, ये बताएंगे हम आपको, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए। बिलासपुर में चलती कार में भीषण आग लग गई, पति पत्नी ने चलती कार से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। बिलासपुर कोरबा नेशनल हाईवे के बगदेवा बॉर्डर पर यह हादसा हुआ। कोरबा से बिलासपुर जा रहे थे कार में सवार पति पत्नी। किस तरह से आग लगी है कार में आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये कपल कोरबा से बिलासपुर जा रहा था, वक्त रहते ही जो पति पत्नी थे वो गाड़ी से कूद गए, अपनी जान बचाने में कामयाब रहे।